गोलियों और गालियों से भरी दमदार डायलॉग्स वाली एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है दास देव। इसे डायरेक्ट वो कर रहे हैं जो चमेली, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और ये सारी जिंदगी डायरेक्ट कर चुके हैं, मतलब सुधीर मिश्रा। तो मूवी होगी दमदार और इस दमदार मूवी की कुछ खास बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि सुधीर मिश्रा का कहना है कि अगर तो आप दास देव को देवदास से कनेक्ट कर कर ये समझ रहे हैं कि वैसा कुछ होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल उलट है। दास देव का ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल थ्रिलर लगेगी ये आपको। इसके लीड कैरेक्टर देव प्रताप सिंह है जो देवदास के किरदार से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसकी जर्नी बिल्कुल उल्टी है। ये दास से देव बनेगा, मतलब नशा पहले से है, फिल्म में उससे दूर होने की कोशिश होगी। देव को किसी लड़की या शराब का नहीं बल्कि सत्ता पावर का नशा है। फिल्म की कहानी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर बनाई गई है और किरदार भी वैसे ही होंगे, मतलब इस मूवी में आपको पारो डोलियों में नहीं दिखेगी जाती हुई, रैलियों में दिखेगी। और इसमें जो पारो बनी है बोले तो ऋचा चड्डा ने अपने रोल को रियल बनाने के लिए टीवी की सारी पॉलिटिकल डिबेट्स और लाइव रैलीज को अच्छे से नोटिस किया था ताकि कुछ भी रह ना जाए, कोई कसर बाकी ना रह जाए उनके रोल को बनाने में। देव और पारो को एक दूसरे से प्यार भी होगा और इस बार भी पारो की शादी किसी और से हो जाएगी, लेकिन किसी और की मर्जी से नहीं या प्रेशर में आके भी नहीं, अपनी मर्जी से, अपने फायदे के लिए। पारो के जाने के बाद देव को चंद्रमुखी का सहारा भी मिलेगा, वो चीज भी इस फिल्म में होगी। चांदनी का किरदार फिल्म में एक पॉलिटिकल फिक्सर का है। चांदनी के रोल के बारे में सुधीर मिश्रा ने ये बताया है कि ये पॉलिटिकल सेटअप का वो रोल होगा, वो किरदार जिसे सब जानते तो हैं लेकिन जब पूछा जाता है तो जानने से मना कर देते हैं। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि पिछले फिल्मों से, मतलब जितनी भी देवदास आज तक बनी है, उनके कैरेक्टर्स से ये वाले कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। विपिन शर्मा या फिर बोलूं एहसान कुरेशी, गैंगवे वसीपुर में याद है आपको रामाधीर सिंह ने जिसे सरदार खान को मारकर उसकी लाश ठिकाने लगाने का काम दिया था, वही वो भी इस फिल्म में नजर आएंगे। उनका किरदार पिछली देवदास के चुन्नीलाल से प्रेरित कह रहे हैं, जैसे चुन्नीलाल भी तो होते हैं, याद है शाहरुख खान की देवदास में जैकी श्रॉफ ने वो वाला रोल किया था। इस फिल्म में विपिन नेता बने हैं। सौरभ शुक्ला का रोल इसमें देव जो कि सेंटर्ड कैरेक्टर है उनके गुरु का है, राजनीतिक गुरु। वो उनको रिपीटेडली ये समझाते रहते हैं कि सत्ता का नशा नहीं छोड़ना है तेरे को, थामे रखना है सत्ता को। इस फिल्म के जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। पारो बनेंगी ऋचा चड्डा, देव बनेंगे राहुल भट्ट और चांदनी चंद्रमुखी बनेंगी अदिति राव हैदरी। एक मिनट, अनुराग कश्यप के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गई, वो आपको एक बहुत ही मजेदार रोल में नजर आने वाले हैं। हाँ, एक्टिंग करेंगे। ये फिल्म पहले 16 फरवरी को सिनेमाघरों में लगने वाली थी लेकिन रिलीज को लेकर हो रही मारामारी के चक्कर में इसे 9 मार्च तक खिसकना पड़ा। फिर भी दिक्कत कम होती दिखाई तो दे नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम फाइनली इसे 23 मार्च को रिलीज करेंगे। अभी तक तो यही डेट है, आगे देखते हैं। जाते जाते सुधीर मिश्रा के एक इंटरव्यू में जो उन्होंने बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ। दास देव के बारे में उन्होंने कहा कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की नॉवल देवदास को उन्होंने हाथ में पकड़ा और सोचा कि अपने टाइप की देवदास बनाएंगे, लेकिन फिर शेक्सपियर दिमाग में घुस गए और सारे कैरेक्टर्स उलट, बिल्कुल घुमावदार, एक जिसे कहते हैं ना चक्रव्यूह दिमाग में घुमा कि या इसको पॉलिटिकल बनाते हैं, तो पॉलिटिकल बना दिया है। और अब देखते हैं कि ये मूवी कैसा करेगी, जिसकी रिलीज डेट अभी 23 मार्च की है। अगर आप ऐसी राज की और बातें जानना चाहते हैं तो ललन टॉप के पेज को फेसबुक पर जाके लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।